स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आप लोग सिविल थर्ड सेमेस्टर और मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर की जो बुक है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन क्या होता है यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे शुरुआत करेंगे कि चाहे कोई भी बीम हो, किसी भी प्रकार की बीम हो, उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका किस तरीके से बनाया जाता है और उसकी वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। जिसने हमारा ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वह प्रीवियस लेक्चर अवश्य देख लें। प्रीवियस लेक्चर की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिए दे रहा हूं, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला केस हम लोग लेंगे जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उसके बीचों बीच पॉइंट लोड लगा हो। When simply supported beam is loaded with the point load at mid-span of the beam, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस बीम के बीचों बीच हमारा पॉइंट लोड लगा है, तो देखते हैं इसका फिगर हम लोग यहाँ इस प्रकार बनाते हैं। ये हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली और इस पर हमने क्या किया, बीचों बीच ये डब्ल्यू लोड लगा दिया। इसकी लंबाई हम लोग टोटल अगर एल माने तो ये कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, और यह कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। यह है ए पॉइंट और यह बी पॉइंट, और इसको हम लोग सी पॉइंट के नाम दे दिए। अब होगा क्या, सबसे पहले हमें तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है, प्रतिक्रिया बल हमें निकालना होगा। ठीक, तो मान लीजिए बी पॉइंट पर प्रतिक्रिया आर बी और ए पॉइंट पर प्रतिक्रिया आर ए है। ठीक है, अब हमें आर ए और आर बी का मान निकालना है। उसके बाद जब हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका आसानी से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी आर ए और आर बी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग जब भी सॉल्व करिए तो जहां पर आपने बीम बनाई है बीम के जस्ट नीचे आप लोगों को इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच देनी है। जितने भी बीम में पॉइंट दिए हों सारे पॉइंटों से आपको एक डॉटेड लाइन खींच देनी है, ताकि जो भी आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इसी डॉटेड लाइन के डॉटेड लाइन पर ही बनेगा, बीम के जस्ट नीचे। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है। शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, समेशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो के, मतलब जो बलों ऊर्ध्वाधर बल हैं उनका बीजगणितीय योग क्या है, जीरो करना है। ठीक, तो देखिए नीचे से लगने वाले बल कौन से हैं, आर ए प्लस आर बी, नीचे से लगने वाले बल आर ए प्लस आर बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर से लगने वाला बल कौन सा है, W, तो ये हमारा W के बराबर हो गया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण एक। अब हम लोग क्या करें, मोमेंट ले लें, तो क्या लिखेंगे, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, समेशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें मोमेंट का बीजगणितीय योग लेने हैं, मतलब क्लॉकवाइज आघूर्ण और एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण सब एक साथ लेने हैं।
तो देखिए हम लोग क्या करें, पॉइंट ए के सापेक्ष आघूर्ण ले लें। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि आघूर्ण किसे कहते हैं, बल इंटू बल से जिस पॉइंट तक की हमें दूरी, मतलब जहां से हमें मोमेंट लेना है वहां तक की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट। जैसे यह बल है और इस बल की, इस बल का मोमेंट हमें इस बिंदु ओ के सापेक्ष लेना है, बात क्लियर है। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, बल और इनटू इस बल की जिस पॉइंट के सापेक्ष हमें मोमेंट लेना है, जिस अक्ष के सापेक्ष हमारा पिंड इस बॉडी को घुमा रहा है वहां तक की लंबवत दूरी, दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट। ठीक, तो यहां से देखिए ए के सापेक्ष जब मोमेंट लेंगे तो बात क्लियर है, कितने बल लग रहे हैं हमें क्या करना है, बीम के, बीम से दाई तरफ हमेशा देखना है। आप सेक्शन मान के अगर करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, मेरी सलाह, मैं जो मेथड बता रहा हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही सरल मेथड है, इस मेथड से आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे कभी गलत नहीं कर सकते। देखिए आपने ए पॉइंट पर आपको आघूर्ण लेना है तो ए से आपको हमेशा दाएं तरफ देखना है। तो देखिए कौन कौन से बल लग रहे हैं ए से, इधर एक तो डब्ल्यू डाउनवर्ड और एक आर बी अपवर्ड। अब जब हम लोग आर बी का मोमेंट ए के सापेक्ष लेंगे तो क्या आएगा, बल कितना है, आर बी, बल इंटू आर बी की यहां तक की दूरी कितनी है, एल बाई टू प्लस एल बाई टू, मतलब एल। तो क्या आ जाएगा, आर बी इंटू एल, बात क्लियर है। ठीक हाँ, और देखिए आपको ध्यान में रखना है यह आर बी वाला मोमेंट बल ए के सापेक्ष कैसा मोमेंट बनाएगा, एंटी क्लॉक की क्लॉक वाइज, देखिए इस तरीके से मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, दूसरी वाली उंगली को बल की दिशा में घुमाना है, तो बल आपका आर बी ऊपर जा रहा है, तो ये देखिए यह आपका एंटी क्लॉक मोमेंट है। तो एंटी क्लॉक मोमेंट को हमें लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको क्या ले लिए, पॉजिटिव, बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा बल एक W लग रहा है, W वाला बल जब A के सापेक्ष हम लोग इसका आघूर्ण निकालेंगे तो ये कैसा मोमेंट लगाएगा, देखिए ये क्लॉकवाइज लगाएगा क्योंकि W हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, देखिए तो ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। तो मोमेंट कितना आएगा, W इंटू डब्ल्यू की यहाँ तक की दूरी A तक की कितनी है, एल वाई टू। तो क्लॉकवाइज मोमेंट है तो हम लोग इसको माइनस का डब्ल्यू एल वाई टू कर दिए, बात क्लियर है। अब देखिए तीसरा बल आर ए है, तीसरा बल आपका आर ए है, आर ए का जब हम लोग मोमेंट लेंगे किस पॉइंट के सापेक्ष, इसी पॉइंट के सापेक्ष, तो जीरो आएगा। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता दिया था कि कोई बल अगर उसी बिंदु पर लगा है जिस बिंदु के सापेक्ष हमें आघूर्ण लेना है तो जीरो आता है। ठीक है, तो इसका मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ देंगे, ये किसके बराबर आ गया, जीरो के। अब यहाँ से हम लोगों को क्या लिखना है, आर एल इंटू आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, या आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टू, आर बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू बाई टू। अब क्या करें, इस आर बी का मान उठा के समीकरण एक में रख दें, तो पुट दी वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में आर बी का मान रखने पर, जब हम लोग आर बी का मान रखेंगे तो आएगा क्या, आर ए प्लस डब्ल्यू बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू के, यही आएगा। अब देखिए आर ए बराबर कितना आ जाएगा, W माइनस डब्ल्यू बाई टू, तो W में से W बाई टू चला जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा आपका W बाई टू। तो आप लोग यहां से देख रहे होंगे
जो प्रतिक्रिया बल था आर बी और आर ए, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस बीम के बीचों बीच एक पॉइंट लोड लगा है, उस बीम में बीचों बीच एक पॉइंट लोड लगा है, तो जो प्रतिक्रिया बल होंगे दोनों किनारों पर वह आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर बल को इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो प्रतिक्रिया बल बराबर नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, प्रतिक्रिया बल हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें निकालना है शियर फोर्स, ठीक। अब हम लोगों को निकालना है शियर फोर्स, पहले निकालेंगे और उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो शियर फोर्स हमें कहाँ कहाँ निकालना है, जहाँ जहाँ हमारा लोड लगा है, जहाँ जहाँ हमारा लोड लगा है, कहाँ लगा है, एक तो सी पॉइंट पर लोड लग रहा है, बी पॉइंट पर रिएक्शन बल लग रहा है, ए पॉइंट पर भी हमारा रिएक्शन बल लग रहा है। तब हमें करना क्या है, बी सी और ए पर तीनों जगह हमें शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स बी पॉइंट पर, शियर फोर्स कहाँ, बी पॉइंट पर। आप लोग यहां लिख भी सकते हैं बी बिंदु पर कर्तन बल, ठीक। तो कितना आएगा, ऐसे भी इस तरीके से लिख दिए। मैंने शियर फोर्स बताया क्या था, कि शियर फोर्स किसी भी बीम पर सेक्शन के दाएं तरफ या सेक्शन के बाएं तरफ लगने वाले समस्त ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग होता है। बात क्लियर है। तो अब देखिए, हम बी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना है हमें, तो क्या करें, बी से थोड़ा सा इधर हम लोग क्या करें, यह सेक्शन मान लें। बात क्लियर है, अभी आपकी स्टार्टिंग है इसलिए है मैं सेक्शन मान के आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगी, बिना सेक्शन माने सिर्फ देखकर एज्यूम करके आप लोग शियर फोर्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए, सेक्शन के दाईं तरफ, सेक्शन के दाईं इधर हुआ और सेक्शन के बाएं इधर हुआ, ठीक। तो शियर फोर्स सेक्शन के दाएं तरफ कौन कौन से बल लग रहे हैं, केवल आर बी लग रहा है, बात क्लियर है। और सेक्शन के बाएं तरफ एक आर ए लग रहा है और एक डब्ल्यू लग रहा है, ठीक है। तो चाहे हम सेक्शन के दाएं तरफ ले लें या सेक्शन के बाएं तरफ ले लें, दोनों जगह से शियर फोर्स की वैल्यू बराबर आएगी। तो अब देखिए, अगर हम लोग सेक्शन के दाएं तरफ लेंगे तो एक बल मिल रहा है, वो भी आर बी। अगर हम लोग बाएं तरफ लेंगे तो एक बल ये है, दूसरा बल ये है, तो हमें थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। तो क्यों हम ऐसा लॉन्ग मेथड करें, हम डायरेक्ट इसी को राइट साइड से सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट साइड पे लगने वाला कौन सा बल है, आर बी, और ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि सेक्शन के दाईं तरफ लगने वाला अपवर्ड फोर्स, नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो बी पॉइंट पर कितना आ जाएगा, प्लस का आर बी, और ये किसके बराबर है आपका, आर बी बराबर है डब्ल्यू बाई टू के। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब हमें निकालना है शियर फोर्स सी पॉइंट पर, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, शियर फोर्स सी पॉइंट पर निकालते हैं। देखिए, शियर फोर्स सी पॉइंट पर निकालने से पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या, देखिए, जब हम बी से सी की ओर आ रहे थे, रास्ते में हमें बी से सी के बीच कोई लोड नहीं मिला, मतलब बी से सी के बीच में सिर्फ इतना ही शियर फोर्स रहेगा। बात क्लियर हो गई होगी। या आप इसको शियर फोर्स सी पर जब निकालें तो दो बार निकाल सकते हैं, कैसे, एक बार जब ये शियर फोर्स, ये लोड आपका डब्ल्यू सी बिंदु पर नहीं लगा था, दूसरा केस में जब आपका सी पॉइंट पर लोड डब्ल्यू लगा था। तो ये मान के चलते हैं पहले केस में कि हमारा डब्ल्यू नहीं लगा है, हमारा डब्ल्यू जब नहीं लगा होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टिल, टिल पॉइंट पर। टिल का मतलब होता है उस बिंदु पर लगने वाला बल को हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं,
टिल मतलब होता है तक, बी से सी तक, बात क्लियर है, सी पर नहीं सी तक, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, अब यहां पर हम लोगों ने एक सेक्शन माना, तो सेक्शन के दाएं तरफ देखिए कितना लोड लग रहा है, सिर्फ आरबी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का आरबी, और यह किसके बराबर है, डब्ल्यू बाई टू के, बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, शियर फोर्स सी पर निकालना है, कब, जब हमारा यह डब्ल्यू लोड लगा है, डब्ल्यू लोड को हम लोग शामिल कर रहे हैं, तब क्या आएगा, हम लोग इधर सेक्शन मान लें, ठीक। तो देखिए क्या आएगा, सेक्शन के दाएं तरफ देखिए कितना आएगा, आरबी ऊपर की तरफ है और डब्ल्यू नीचे की तरफ है, तो सेक्शन के दाएं तरफ नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव क्या आ जाएगा, प्लस का आरबी, और ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स निगेटिव होता है तो माइनस का डब्ल्यू। अब देखिए प्लस का आरबी कितना है, डब्ल्यू बाई टू, और माइनस का डब्ल्यू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू माइनस का डब्ल्यू बाई टू। तो सी पॉइंट पर इस डब्ल्यू लोड के कारण शियर फोर्स कितना आ रहा है, माइनस का डब्ल्यू बाई टू। अब देखिए, अब हमें निकालना है शियर फोर्स ए पॉइंट पर, शियर फोर्स कर्तन बल ए बिंदु पर कितना आएगा। देखिए जब हम लोग ए पॉइंट पर निकालेंगे तो होगा क्या, हम लोग बी से चले सी, अब जब हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं तो सी से ए के बीच में हमें कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ ए पॉइंट पर मिल रहा है, वो भी रिएक्शन बल मिल रहा है। तो जब हम लोग ए पॉइंट पर निकालेंगे तो होगा क्या, इसको हम लोग दो तरीके से, दो बार निकालेंगे नहीं, आप लोग गलत कर देंगे स्टार्टिंग में, ठीक। पहले हम लोग निकालेंगे जब ए बिंदु पर यह रिएक्शन फोर्स नहीं लगा है, और दूसरी बार में निकालेंगे जब यह आपका रिएक्शन फोर्स लगा होगा। तो रिएक्शन फोर्स हम लोग नहीं लेंगे, तो उस केस में शियर फोर्स निकालने के लिए क्या लिखा जाता है, टिल लिखा जाता है, उस बिंदु पर टिल लिखा जाता है। तो टिल के लिए क्या आएगा, देखिए इधर देखिए राइट साइड, एक आरबी फोर्स दिखा, एक डब्ल्यू दिखा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, आरबी आपका पॉजिटिव माइनस, ये डब्ल्यू क्या रहेगा, डाउनवर्ड एंड नेगेटिव। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आरबी डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू, इसको सॉल्व कर लिए तो माइनस का डब्ल्यू बाई टू आ गया, बात क्लियर है। अब जब हम लोग इस ए पॉइंट पर लगने वाले रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तब क्या आएगा, एस एफ ए एट पॉइंट, एट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, यहां पर बाकायदे लिखेंगे ए बिंदु पर कर्तन बल, जब उस बिंदु पर लगने वाले रिएक्शन बल को, प्रतिक्रिया बल को ले रहे हैं, तब कितना आएगा, एस एफ ए एट पॉइंट, तब क्या आएगा, इसको भी हमें शामिल कर लेना है। तो क्या क्या आएगा, हमें इधर से हमेशा राइट देखना है, आर बी माइनस डब्ल्यू प्लस का आर ए, क्योंकि नीचे से लगने वाले फोर्स पॉजिटिव और ऊपर से लगने वाले फोर्स नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, आर बी माइनस डब्ल्यू प्लस आर ए, और आप जानते हैं आर बी आपका क्या है, डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू, और प्लस का आर ए भी डब्ल्यू बाई टू के बराबर है। अब देखिए आधा आधा एक हो गया और एक ये है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। यह पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो जिसको भी कोई डाउट हो आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग जो मैंने सोशल कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे जाकर फॉलो करके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट, अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट आपको मैंने बता ही दिया था पिछले लेक्चर में, किसे कहते हैं, फोर्स और जिस बिंदु के सापेक्ष हमें मोमेंट ले रहा है वहां तक की लंबवत दूरी, दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट। अब देखिए हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ मोमेंट निकालना है, जहाँ जहाँ पर हमें
लोड लगता हुआ दिख रहा है, रिएक्शन बल लगे दिख रहे हैं, एक तो बी पर, दूसरा सी पर, फिर ए पर, इन तीन जगह हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा ठीक। तो कितना आएगा, हम लोग इसको लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर, कितना आएगा देखिए, बी पॉइंट पर मोमेंट निकालना है हमें ठीक। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, यदि कोई बल किसी बिंदु पर लग रहा है और उसी बिंदु के सापेक्ष हमें मोमेंट लेना है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो ठीक। कैसे जीरो आती है एक बार फिर से देख लीजिए, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने सोम और मॉस के नाम से बना रखी है, क्योंकि बिना प्रीवियस लेक्चर को समझे आगे इस वीडियो को समझना इम्पॉसिबल है। देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट ओ है और ये हमारी एक छड़ थी, और इस छड़ के किनारे पर हमारा एक बल 10 न्यूटन का लग रहा था और इसकी दूरी 5 मीटर है। अब हमें यह बल इस जब छड़ पे लग गया तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा, कितना आएगा मोमेंट 10 × 5 का। अब अगर बल इधर लगा दें, ये दूरी 3 मीटर कर दें, तब मोमेंट कितना आएगा 10 × 3 30, दूरी और कम कर दें, 1 कर दें, तो 10 × 1 10 आ जाएगा। अगर बल को इसी बिंदु पर लगा दें तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि दूरी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। बल तो लग रहा है, दूरी कितनी है, जीरो, तो मोमेंट कितना आ गया, जीरो। तो बी पर मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो, बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, सी पर। तो सी पर मोमेंट निकालने के लिए हमेशा आपको कुछ भी निकालिए, शियर फोर्स निकालिए चाहे बेंडिंग मोमेंट निकालिए, आपको हमेशा बीम के दाएं तरफ देखना है, या जिस बिंदु पर निकाल रहे हो आपको हमेशा अपने से दाएं तरफ देखना है। तो लिखेंगे सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, कितना आएगा, बी एम सी, बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, कितना आएगा देखते हैं। अब हमें सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, ऐसे हाथ रखिए, अपने से दाएं तरफ देखिए, अपने से दाएं तरफ देखिए, कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक आर बी बल लग रहा है और एक सी बिंदु पर ही डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो सी बिंदु पर डब्ल्यू लोड लग रहा है और उसी बिंदु के सापेक्ष हमें मोमेंट लेना है, तो यह लोड मोमेंट में नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, आर बी इंटू आर बी की यहां तक की दूरी सी तक की कितनी है, एल बाई टू, यही तो मोमेंट होगा। देखिए सी बिंदु के सापेक्ष आर बी का मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, बल आर बी इंटू आर बी की सी तक की दूरी कितनी है, एल बाई टू, तो मोमेंट कितना आ जाएगा, आर बी इंटू एल बाई टू, और आर बी की वैल्यू कितनी है आप लोगों को पता है, डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, तो ये वैल्यू किसके आ गई, डब्ल्यू एल बाई फोर के, बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आखिरकार ये डब्ल्यू एल बाई फोर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो देखिए यह आपका मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक मोमेंट हमें पॉजिटिव लेना है बीम के राइट साइड, सेक्शन के राइट साइड हमें लगने वाला मोमेंट पॉजिटिव लेना है, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, डब्ल्यू एल बाई फोर की। अब हमें बेंडिंग मोमेंट क्या निकालना है, ए पर, बेंडिंग मोमेंट ए पर। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट ए पर निकालेंगे तो होगा क्या, देखिए इस सेक्शन के हमें क्या देखना है, राइट साइड। जब हम लोग इस सेक्शन के राइट साइड देखेंगे इधर से, तो देखिए कौन कौन से बल लगे दिख रहे हैं, एक आर बी, दूसरा आपको डब्ल्यू लगा दिख रहा है ठीक। तो मोमेंट आर बी के कारण होगा यहां पर और इस डब्ल्यू के कारण होगा, तो देखिए मोमेंट निकालते हैं क्या आएगा, आर बी का मोमेंट, आर बी वाले बल का मोमेंट एक्स के सापेक्ष, तो आर बी इंटू आर बी की यहां तक की दूरी ए तक की कितनी है,
एल वाई टू इंटू एल एल वाई टू प्लस एल वाई टू कितना आ जाएगा एल, तो मोमेंट कितना आ जाएगा आर बी इंटू एल। अब देखिए ये मोमेंट आपका यहाँ से आर बी वाला एंटी क्लॉक बन रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया ये, ठीक है। अब देखिए ये डब्ल्यू वाला फोर्स लोड ए के सापेक्ष कैसा मोमेंट बनाएगा, देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज बना रहा है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज बना रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक। तो इसका मोमेंट कितना आएगा, फोर्स इंटू जिस बिंदु के सापेक्ष हमें मोमेंट लेना है वहाँ तक की दूरी दोनों का गुणनफल, कितना आएगा डब्ल्यू इंटू एल वाई टू। लेकिन यह मोमेंट आपका क्लॉकवाइज है बेंडिंग मोमेंट, तो इसको क्या करेंगे नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस का डब्ल्यू इंटू एल वाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू डब्ल्यू वाई टू इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल वाई टू, अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो कितना आ गया जीरो। मतलब कहने का आप लोग देख रहे होंगे ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है, लेकिन सी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक। तो ये हमने हर बिंदु पर शियर फोर्स निकाल लिया और बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन खींची है हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रत्येक बिंदु पर दिखाना है। तो चलिए पहले बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए डॉटेड लाइन जो हमने खींची थी उसी डॉटेड लाइन के बीच में हमें एक इस तरीके से लाइन खींचनी है जो कि आपकी बेस लाइन होगी, ठीक। अब देखिए बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आ रहा है डब्ल्यू बाई टू, तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो जो रेफरेंस लाइन हमने खींची है उससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है और रेफरेंस लाइन से नीचे हमें नेगेटिव लेना है। तो देखिए B पॉइंट पर कितना आ रहा है W बाई टू, तो यहां से हम लोग W बाई टू वैल्यू पर मानकर एक पॉइंट लगा देंगे। आपको यह कितनी दूरी लेनी है, यहां से यह कितनी दूरी पर पॉइंट लगाना है यह मैं अभी बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए W बाई टू की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, तो आपको एक पैमाना मानना है, क्या मानना है, माना 10 न्यूटन बराबर 1 mm, तो 50 न्यूटन बराबर 5 mm, तो आपको यह दूरी कितनी लेनी है 5 mm, बात क्लियर है, ठीक। उसके बाद देखिए C पर कितना आ रहा है टिल पॉइंट, मतलब ये वाला लोड नहीं लगा है, कितना आ रहा है W बाई टू, तो यहां से W बाई टू ही आएगा, हमने पॉइंट लगा दिया। फिर देखिए सी पर एट पॉइंट कितना रहा माइनस का डब्ल्यू बाई टू, एट पॉइंट का मतलब हमने ये वाला लगने वाला लोड इंक्लूड कर लिया ले लिया है, तो कितना रहा माइनस का डब्ल्यू बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू यहाँ से हमें क्या करना है जीरो नीचे आ जाना है, माइनस का डब्ल्यू बाई टू हो गया। अब देखिए ए पॉइंट पर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, जब रिएक्शन बल नहीं शामिल की थी तब कितना आ रहा है माइनस का डब्ल्यू बाई टू, तो यहाँ से माइनस का डब्ल्यू बाई टू ये आ गया। फिर जब हम लोगों ने रिएक्शन बल शामिल कर लिया था तब शियर फोर्स कितना आ रहा था जीरो, तो यह जीरो आ गया। अब हमें इन सारे पॉइंटों को मिलाना है, आखिरकार कैसे मिलाना है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि यदि पॉइंट लोड किसी भी बीम में लगा है तो जो शियर फोर्स डायग्राम होगा उसमें कांस्टेंट लाइन जाएगी, मतलब लोड आपकी क्या होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो देखिए कांस्टेंट है लोड आपका, क्या है कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक सडन जंप आ रही, किसके कारण आ रही, इस डब्ल्यू लोड के कारण सडन जंप आ रही है, तो ये हमने सडन जंप दिखाई। यहाँ पर इसको ऐसे भी दिखाएंगे, यहाँ से ऊपर डब्ल्यू बाई टू, फिर डब्ल्यू बाई टू से कांस्टेंट लोड, यहाँ पर W का पॉइंट लोड लगा है, उसके बाद यहाँ पर फिर कोई लोड नहीं है, फिर उसके बाद इस आरए प्रतिक्रिया बल के कारण शियर फोर्स क्या हो रहा है जीरो, बात क्लियर है। इसको आपको पॉजिटिव ले लेना है और इसको नेगेटिव ले लेना है, और यहाँ पर इसको
यह शो करा देना है कि यह W बाई टू है और यह भी आपका W बाई टू के बराबर है। बात क्लियर है? यह क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा हैचिंग कर देनी है ऐसे। यह हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। जिसको इसमें डाउट है हमने ऐसी लाइन कैसे मिला दी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो संबंध बताया था उसमें बता दिया था कि आपका जो पॉइंट लोड की केस होता है उसमें एफ इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स क्या आता है, जीरो। मतलब उसमें जो शियर फोर्स डायग्राम है उसमें शियर फोर्स कांस्टेंट लाइन से जाएगा, कांस्टेंट रहता है। तो यह हमने देखे दिखा दिया कि यहाँ पर कांस्टेंट है। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट में हमें सब जगह पे दिखाना है, बी सी और ए पर। तो देखिए बी पर कितना है, जीरो, ए पर कितना है, जीरो। बात क्लियर है? अब सी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है, डब्ल्यू एल बाई फोर, वो भी पॉजिटिव। तो इसमें फिर सी पर कितना है, पॉजिटिव जाना है हमें, कितना, डब्ल्यू एल बाई फोर मान लीजिए ये है। अब यहाँ से हमें डब्ल्यू एल बाई फोर हमें कितनी दूरी पर मार्क करना है, उसके लिए फिर पैमाना, मान लीजिए डब्ल्यू एल बाई फोर बराबर कितना आया, 80 किलो न्यूटन मीटर। बात क्लियर है? अब आप पैमाना मान लीजिए 10 किलो न्यूटन मीटर बराबर 1 mm, तो 80 किलो न्यूटन मीटर बराबर 8 mm। तो यहाँ से आपको 8 mm के ऊपर की दूरी पर मार्क लगा देना है। अब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के केस में रेखा का समीकरण प्राप्त होता है, इसका मतलब यह है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वह लीनियरली वेरी करेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, लीनियरली वेरी कराना है, इसको हमें लीनियर मिला देना है। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, लीनियर मिला दिया। इसको हम लोग पॉजिटिव दिखाएंगे और इसकी वैल्यू हमें दिखानी है डब्ल्यू एल बाई फोर की, और इसको हमें क्या कर देना है, हल्की हल्की हैचिंग कर देनी है ये। तो यह रहा आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस केस में, यदि एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस बीम में आपका बीचों बीच पॉइंट लोड लगा हो। तो यह रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम और यह रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि इसमें W के अलावा, W लोड था, अगर यहाँ पर W की जगह हम कर दें 50, मतलब कोई मान दे दे 50 न्यूटन या किलो न्यूटन, तो RB और RE की वैल्यू क्या आएगी, आधी आधी 50 की, 25 ही आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। ठीक उसी हिसाब से ये यहाँ पर 25, ये 25 और ये WL/4, ठीक उसी हिसाब से आपका डायग्राम बन जाएगा। अब चलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब पॉइंट लोड आपका बीम के बीचों बीच ना हो, इधर उधर लग रहा हो और एक से ज़्यादा पॉइंट लोड लग रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या था, एक ही पॉइंट लोड लगाया था, वो भी बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट लोड लगाकर सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोगों ने जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका नेक्स्ट केस लिया है, उसमें एक से अधिक लोड लग रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, एक शुद्धालंबित धरन, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसकी हिंदी शुद्धालंबित धरन भी कहते हैं उसको। तो एक शुद्धालंबित धरन जिसकी लंबाई 6 मीटर है, इसके बाएं सिरे से क्रमशः 2 मीटर व 5 मीटर की दूरी पर 30 किलो न्यूटन व 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। इसके लिए कर्तन बल तथा नमन घूर्ण आरेख खींचिए। पेपर में क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा या हो सकता है डायग्राम बन के आ जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस तरीके से आ गया तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, अगर डायग्राम बना हुआ आ गया तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं, डायग्राम हम लोग बनाते हैं। एक शुद्धालंबित धरन जिसकी लंबाई 6 मीटर है, तो सबसे पहले हम लोग एक
6 मीटर लंबी सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। हमने यह है एक 6 मीटर लंबी सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, बात क्लियर। अब कह रहा है जिसकी लंबाई 6 मीटर, ठीक, इसके बाएं सिरे से आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसका बीम का बायां सिरा यह होता है और दायां सिरा यह होता है, ठीक। तो इसके बाएं सिरे से क्रमशः 2 मीटर, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 2 मीटर चलना है, बाएं सिरे से क्रमशः 2 मीटर व 5 मीटर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2 मीटर चलने के बाद यहीं से आगे 5 मीटर और चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप लोग ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। कहाँ से कह रहा है, इसके बाएं सिरे से, बाएं सिरे से मतलब जो भी दूरी होगी यहीं से नापी जाएगी। तो बाएं सिरे से क्रमशः 2 मीटर व 5 मीटर। तो आपको जो दूसरी वाली दूरी लेनी है 5 मीटर, वो इस तरीके से यहीं से ऐसे लेनी है। तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, बात क्लियर है। हम लोग यहाँ पर आ गए, 5 मीटर की दूरी पर 30 किलो न्यूटन व 20 किलो न्यूटन। तो देखिए पहले दूरी क्या है, 2 मीटर, तो 2 मीटर की दूरी पर कितना लोड है, 30 किलो न्यूटन। तो 2 मीटर की दूरी पर हम लोग 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिए, ठीक है। अब 5 मीटर की दूरी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, तो क्या किए, 5 मीटर की दूरी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिए, ठीक। अब कह रहा है लगा है, इसके लिए कर्तन बल तथा नमन घूर्ण आरेख खींचिए, बात क्लियर हो गई, हमारा फिगर बन गया। इसमें एक चीज और रह गई है, यहां से यहां तक की यह दूरी रह गई है। देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 मीटर और पूरी बीम की लंबाई कितनी बोला था उसने, 6 मीटर है, तो यह दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। यह दूरी आपकी 1 मीटर हो जाएगी। हमारा डायग्राम बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसका SFD और BMD बनाना है, इसको सॉल्व भी करना है, उसके बाद SFD BMD बनाना है। तो देखिए यह आपका एक पॉइंट, ये बी, यह सी और यह डी। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तो आपको ऐसे फिगर बनाना है। अगर ऐसा ही फिगर आ गया बना बनाया कि इस चित्र का SFD BMD निकालो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो कॉपी में आप लोग फिगर बनाने के बाद आपको करना क्या है, फिगर के जस्ट नीचे जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंटों से होते हुए एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ खींच देनी है, जिससे आपको फिगर जो बनेगा SFD BMD का इसी डॉटेड लाइन पर ही बनेगा। यहाँ पर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व ना करें, कुछ कैलकुलेशन ना करें। तो हमने ये डॉटेड लाइन सभी जगह खींच दी, बात क्लियर है, ठीक। अब देखिए हमें वही पुराना फंडा करना है, क्या ए बिंदु पर प्रतिक्रिया बल मिलेगी ऊपर की ओर, बी बिंदु पर मिलेगी ऊपर की ओर, ठीक है। ए बिंदु पर प्रतिक्रिया मिली RA और बी बिंदु पर मिली हमको RB। अब देखिए ऊपर से कितना बल लग रहा है, 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन का ऊपर से बल लग रहा है, बात क्लियर। और लेकिन इन बलों को कौन सपोर्ट कर रहा है, बेचारा RA और RB प्रतिक्रिया बल दे के क्या है, बैलेंस कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, समेशन, वही अपना समेशन फोर्स इज इक्वल टू 0, बात क्लियर है, ठीक। तो क्या करेंगे, RA नीचे से लगने वाला बल प्लस RB बराबर किसके होगा, ऊपर से लगने वाले बल के। ऊपर से कितना लग रहा है, 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन, ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन के। समीकरण 1 हो गया, बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, RA और RB की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले यही प्रोसेस हमें हर क्वेश्चन में करना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0, हमें आघूर्णों का बीजगणितीय योग
लेना है। तो ए बिंदु के सापेक्ष हम क्या ले लें, मोमेंट ले लें। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर जब हम लोग बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तब आएगा क्या, देखिए ए से हम लोगों को राइट साइड देखना है, क्या मिल देख रहे हैं, एक आरबी, एक 20 और एक 30, इतने बल लग रहे हैं, इन्हीं बलों के कारण हमारा मोमेंट होगा। तो ए पॉइंट के अबाउट जब लेंगे तो आरबी बल इंटू आरबी की यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 1, तो कितनी हो जाएगी दूरी 6। तो ये आरबी के कारण मोमेंट कितना आएगा, आरबी इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है 6, और ये है आपका एंटी क्लॉक मोमेंट है, और एंटी क्लॉक मोमेंट आपका पॉजिटिव होता है। तो क्या आ जाएगा, आरबी इंटू 6, बात क्लियर है, ठीक। फिर दूसरा बल है 20, इस 20 के कारण ए बिंदु पर मोमेंट कितना आएगा, देखिए यह आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो क्या आएगा, 20 बल इंटू यहां तक की दूरी ए तक की, 20 की ए तक की दूरी कितनी है, देखिए 5, तो कितना आ जाएगा 20 × 5, लेकिन क्लॉकवाइज मोमेंट है। आप लोग सिर्फ मेरे बताए मेथड से चलिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यह आपका मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, क्या 20 × यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, तो माइनस का 20 × 5, बात क्लियर है। फिर ये 30 वाला फोर्स है, इसके कारण मोमेंट ए पर कितना आएगा, बल इंटू यहाँ तक की दूरी, बल कितना है 30, और 30 की यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, ये भी आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो माइनस का 30 × 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आरए का मोमेंट, आरए बल के कारण मोमेंट ए बिंदु पर कितना आएगा 0, उसको लेंगे ही नहीं, मतलब नहीं है कोई लेने का। ये कितना आ जाएगा 6RB इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 60, इसको हम लोग जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 160, या यहाँ से RB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160/6। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे 6 × 12, ये आ जाएगा इतना किलो न्यूटन। तो RB बराबर 26.66 किलो न्यूटन। अब RB की वैल्यू तो आ गई, RB का मान उठा के समीकरण एक में रख दिया जाए तो हमें RA मिल जाएगा। तो क्या करें, पुट दी वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RA। तो RA बराबर कितना आ जाएगा 50 − 26.66। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 23.34 किलो न्यूटन, ये हमारा आ गया RA, बात क्लियर हो गई होगी, ये हमारा RA और RB हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें प्रत्येक पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना है और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है शियर फोर्स, शियर फोर्स कहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले बी, फिर सी, फिर डी और ए पर। तो बी पर निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बी बिंदु पर कर्तन बल, ठीक, बी बिंदु पर कर्तन बल जब हम लोग निकालेंगे, बी बिंदु पर जब हम लोग कर्तन बल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो इस पर हमने ऐसे हाथ रखा और बीम के बाएं सिरे को हम भूल गए, तो दाएं सिरे में हमें क्या दिख रहा है, केवल RB दिख रहा है। तो बी बिंदु पर केवल प्रतिक्रिया बल लग रही, केवल RB, कौन सा बल लग रहा है, केवल RB। तो बी बिंदु पर कर्तन बल कितना आ जाएगा,
एस एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, आर बी के, और आर बी की वैल्यू किसके बराबर है 26.66 के, 26.66 किलोन्यूटन। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग सी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालेंगे। तो सी पॉइंट पर जब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे तो हम आप लोगों को अभी स्टार्टिंग है तो दो बार निकाल कर सिखाएंगे। पहले जब सी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड नहीं लग रहा होगा तब निकालेंगे, और उसके बाद इस लोड को लगाने के बाद निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं सी बिंदु पर कर्तन बल जब 20 किलो न्यूटन का बल नहीं लगा है, बल नहीं लग रहा है, ठीक, तब हम लोग क्या लिखेंगे, एस एफ सी, और इसको हम लोग लिखते हैं टिल पॉइंट। तो यहां पर निकालने के लिए इस बल को हमें नहीं लेना है तो इसको ढक लेंगे, और इसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है, सी पॉइंट के इधर कितना बल लग रहा है, केवल हमें राइट साइड देखना है। तो सी के इधर कितना बल लग रहा है, केवल आर बी, और वो भी अपवर्ड है तो अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, प्लस का आर बी, और आर बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 26.66, तो ये कितना आ जाएगा 26.66 किलो न्यूटन। बात क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे सी पॉइंट पर जब यह लोड लग रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एस एफ सी एट पॉइंट। बात क्लियर है। तो देखेंगे इस तरीके से इसको रखें, कितना लोड लग रहा है इधर, यहाँ से इस साइड देखेंगे तो आर बी नीचे से ऊपर की ओर है और 20 ऊपर से नीचे की ओर है, तो क्या लिखेंगे, आर बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का ये 20 हो जाएगा, माइनस का 20, क्योंकि ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स नेगेटिव लेते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, 26.66 माइनस का 20, ये हमारा आ जाएगा 6.66 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु डी पर, तो डी पॉइंट पर शियर फोर्स जब 30 किलो न्यूटन नहीं लग रहा है, 30 किलो न्यूटन बल नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप लोगों को एक एक करके अभी इसलिए बता रहे हैं कि पहले इसको नहीं ले रहे हैं फिर ले रहे हैं, ताकि आपको अभी स्टार्टिंग में सीखना है, आप लोग सीख जाएं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एस एफ सी टिल और एस एफ सी एट और एस एफ डी टिल और एस एफ डी एट डायरेक्ट निकाला करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब हम लोग एस एफ डी टिल निकालेंगे तो टिल का मतलब क्या है कि डी पॉइंट पर लगने वाले पॉइंट लोड को हमें नहीं लेना है, तो मतलब 30 को नहीं लेना है। तो 30 के इस साइड देखिए क्या लग रहा है, आर बी ऊपर की ओर और 20 नीचे की ओर, तो कितना आ जाएगा, आर बी माइनस 20, आर बी को 26.66 माइनस 20, ये हमारा कितना आ जाएगा 6.66 किलो न्यूटन। अब जब हम लोग एट पॉइंट पर निकालेंगे एस एफ डी एट, एट का मतलब इस पॉइंट पर लगने वाले हमें बल को भी ले लेना है, लोड को ले लेना है, तो कितना आएगा जब हम लोग इस पॉइंट पर लगने वाले बल को भी लेंगे, तो देखिए इसके दाएं साइड क्या क्या लग रहा है, आर बी ऊपर 20 नीचे और 30 भी नीचे, तो कितना आ जाएगा, आर बी माइनस 20 और माइनस का 30। क्लियर है। इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, ये कितना आ जाएगा 26.66 और माइनस का 50, 20 और 30 कितना हो गया
50, और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23.34 किलो न्यूटन। यह हमारा SFD एट पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हमें ए पॉइंट पर शियर फोर्स और निकालना है, तो चलिए ए पॉइंट पर शियर फोर्स हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, SFA। जब हम लोग SFA निकालेंगे तो यहां पर भी दो बार निकाले नहीं, आप लोग गलती कर देंगे। गलती निकालने में नहीं होगी, गलती आपके डायग्राम बनाने में हो जाएगी, ठीक। तो SFA जब हम लोग टिल पॉइंट पर निकालेंगे, मतलब कि ए पॉइंट पर लगने वाले रिएक्शन बल को हमें नहीं लेना है, तब क्या आएगा, देखिए इससे दाएं सिरे पर कौन कौन से लोड लग रहा है, RB 20 और 30। तो RB की वैल्यू 26.66 माइनस का 20 और माइनस का 30। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23. ये माइनस का आएगा, यह माइनस का आएगा, माइनस का 23.34 किलो न्यूटन। फिर SFA जब हम लोग एट पॉइंट पर निकालेंगे, एट पॉइंट का मतलब वहाँ पर लगने वाले फोर्स को भी हम लोग लोड को ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको भी हमें लेना है। तो अब देखिए ये टोटल लोड आ जाएगा, RB 20 30 और RA, तो कितना आ जाएगा, 26.66 माइनस 20 माइनस का 30 और माइनस का, सॉरी ये नीचे से ऊपर है तो प्लस का आ जाएगा 23.34। इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0 किलो न्यूटन। तो ये हमने सभी पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इसका डायग्राम इधर बनाना है। यह क्वेश्चन आपका 100% नहीं, 100 में एक जीरो और लगा लीजिए, मतलब 1000% आपका एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम में पूछ ले या कैंटिलीवर बीम में पूछ ले या फिर ओवरहैंगिंग बीम में पूछ ले। यहाँ पर हो सकता है कि केवल पॉइंट लोड लगा हो या केवल UDL लगा हो या पॉइंट लोड और UDL दोनों एक साथ लगा के आपको क्वेश्चन में दे दे और पूछेगा इसके लिए SFD और BMD बनाइए। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे, रेफरेंस लाइन हमने खींच दी, ठीक। अब देखिए बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आ रहा है, 26.66, तो यहाँ से हम लोग 26.66 ऊपर की ओर पॉजिटिव आएगा, तो 26.66 वैल्यू रखने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक आइडिया से पैमाना मान लेंगे कि 10 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 mm, जो भी आपको उचित पैमाना लगे। तो यहाँ से पैमाना मान के आप लोगों ने मान लीजिए यह पॉइंट एक लगाया, कितना 26.66 किलो न्यूटन यह दूरी शो करेगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से यह ऐसे मिलाया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऊपर की ओर बल लग रहा है, ठीक। अब देखिए B से C के बीच कितना है शियर फोर्स, देखिए बी से सी के बीच टिल पॉइंट, जब हमारा ये लोड नहीं लगा था तो कितना आ रहा था टिल पर, 26.66। तो यहाँ से हमें 26.66 पर पॉइंट रखना है और इन दोनों को ऐसे मिलाना है। क्यों, क्योंकि पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग शियर फोर्स एट पॉइंट पर निकालेंगे, मतलब इस लगने वाले बल को भी लेंगे, तो कितना आ रही है वैल्यू, 6.66। तो यहाँ से हम लोग 6.66 पर यह मार्किंग कर दिए और इसको इस तरीके से ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो इसका मतलब क्या था, हम लोग इस पॉइंट पर थे, यहाँ से एक नीचे की ओर बल लग रहा है जो हमें कहाँ तक ले आया, 6.66 तक ले आया, मतलब इस पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब देखिए अब हमें ये डी पॉइंट है,
तो डी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आ रहा है टिल पर 6.66। तो यहाँ से हमें क्या करना है 6.66 पर पॉइंट लगाना है और इसको भी हमें इस तरीके से मिला देना है। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट रहता है। फिर एट पॉइंट पर कितना आ रहा है माइनस का 23.34। तो यहाँ से माइनस का 23.34 मान लीजिए हम लोगों ने यह पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर हमारा एक लोड लग रहा है जिसके कारण शियर फोर्स में सडन चेंजमेंट हो रहा है, अचानक परिवर्तन हो रहा है। बात क्लियर है? अब देखिए हमने टिल और एट हर पॉइंट पर क्यों निकलवाया था, यहाँ पर ए पर समझते हैं। अब जैसे हमने ए पर शियर फोर्स कितना निकाला, जीरो। तो लास्ट में अगर हम लोगों ने टिल पर नहीं निकाला होता तो सीधे जीरो आता। तो आप लोग क्या करते, इस पॉइंट पर ऐसे मार्किंग करते और इसको इस तरीके से ऐसे मिला देते, ऐसे, जो कि आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो इस गलती से बचने के लिए हम लोगों ने टिल और एट दो बार निकाला है। ठीक है, तो देखिए जब रिएक्शन बल नहीं लग रहा था तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस का 23.34। तो यहाँ से हम लोग माइनस का 23.34 पर मार्किंग किए और इसको ऐसे मिला दिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लोड का केस है और पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स आपका कांस्टेंट रहता है और बाद में ये जीरो हो रहा है। बात यह क्लियर हो रही होगी, यह बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस शो कर देना है, सॉरी प्लस, और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर आपको यह वैल्यू दिखा देनी है कितनी, 26.66 किलो न्यूटन, और यहाँ पर यह वैल्यू दिखा देनी है 6.66 किलो न्यूटन, और यहाँ पर इतनी वैल्यू दिखा देनी है कितनी, 23.34 किलो न्यूटन। यह रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं आगे, हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है और प्रत्येक पॉइंट पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो चलिए प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट इसकी हिंदी होती है नमन आघूर्ण। कहां कहां निकलेगा, ए डी सी और बी पॉइंट पर निकलेगा। तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करते हैं, बीम के राइट साइड से शुरुआत मेरे हिसाब से राइट साइड से करनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। ठीक, ये आपके डिपेंड, आप पर डिपेंड करता है कि आप बाएं से शुरुआत कर रहे हैं कि दाएं से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कहां पर निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, बी पॉइंट पर। ठीक, बी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, फोर्स इंटू, फोर्स कितना है आर बी, और इस आर बी की बी तक की दूरी कितनी है, जीरो। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, फोर्स आर बी इंटू दूरी जीरो, कितना आ जाएगा, जीरो किलो न्यूटन मीटर। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट सी पर। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट सी पर निकालेंगे तब क्या आएगा, देखिए सी के इधर देखिए राइट साइड कौन से बल लग रहे हैं, आर बी एक बल लग रहा है और एक सी बिंदु पर ही 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे सी के अबाउट, तो क्या आएगा, आर बी इंटू सी तक की दूरी कितनी है, एक मीटर। तो और ये वाला मोमेंट आपका एंटी क्लॉक है और एंटी क्लॉक मोमेंट हमें पॉजिटिव लेना है, तो क्या आएगा, आर बी इंटू वन। बात क्लियर है, एंटी क्लॉक मोमेंट पॉजिटिव ले लिया। फिर 20 का एक लोड लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, सी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर हमें मोमेंट निकालना है। तो
क्या आ जाएगा, इस 20 का लोड के कारण सी पॉइंट पर मोमेंट कितना आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि लोड तो है, मोमेंट आपका क्या होता है, लोड इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबाई, और लंबाई आपकी जीरो है। तो ये तो फाइनली कितना आ जाएगा, आर बी इंटू वन, आर बी की वैल्यू 26.66 इंटू वन, मतलब इतना ही आ जाएगा। अब हमें डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट, डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें देखना है कि डी से राइट साइड कौन कौन से मोमेंट लग रहे हैं, मोमेंट मतलब कौन कौन से फोर्स लगने के कारण मोमेंट आएगा। आप डी के राइट साइड ना देख के आप डी के लेफ्ट साइड भी देख के मोमेंट निकाल सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डी पॉइंट पर ले रहे हैं तो आप इधर से ही लें, आप इस साइड से भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसी क्वेश्चन में आपने इस साइड से ले लिया, किसी क्वेश्चन में आपने लेफ्ट साइड से ले लिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें आखिरकार कहां से लेना है, लेफ्ट से लेना है या राइट से लेना है। तो इसीलिए मैं हमेशा राइट को प्रेफरेंस दे के सॉल्व करता हूँ। तो डी पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे कौन कौन से बल लग रहे हैं, आर बी 20 और डी पॉइंट पर ही 30 का। तो आर बी के कारण डी पर मोमेंट कितना आएगा, आर बी इंटू यहाँ तक की दूरी, डी तक की कितनी है एक, और ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और इतनी ये 2 है, तो ये कितनी बचेगी, 3 मीटर। बात क्लियर है? तो आर बी इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 × 1 = 4। तो आर बी मतलब 26.66 इंटू 4 पॉजिटिव आएगा। अब 20 का लोड है, कैसा मोमेंट बनाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट को हमें नेगेटिव लेना होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3। तो माइनस का 20 इंटू 3। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आज मैं एक्चुअली कैलसी लाना भूल गया, तो चलिए मोबाइल का सहारा लेके सॉल्व करते हैं इसको। 26.66 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 3, ये आपका आ रहा है, इसको फाइनली सॉल्व करने पर 46.64 किलो न्यूटन मीटर, इतनी वैल्यू यहाँ पर आ रही है बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पर। अब हम लोगों को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर और निकालना है। क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट हमें ए पॉइंट पर निकालना है। तो जब हम लोग ए पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से लोड लग रहे हैं, आर बी 20 और 30, इन सभी के कारण ए पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे। तो क्या आएगा, आर बी इंटू यहाँ तक की दूरी कितना आएगा, आर बी की वैल्यू 26.66 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 × 1 = 6, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस। क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि 20 वाला लोड ए के सापेक्ष आपका क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। जिसको भी मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक में दिक्कत आ रही है कि कैसे हो जाते हैं, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है। तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए 5 दिख रही है, तो 20 इंटू 5, फिर क्या आएगा, एक 30 का लोड लग रहा है ए पॉइंट के अबाउट, मोमेंट कितना बनाएगा, 30 इंटू 2 का, तो माइनस का 30 × 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये सपोर्ट पे मोमेंट है तो ये 0 के इक्वल आएगा, 26.66 इंटू 6 माइनस 20 इंटू 5 माइनस 60, ये 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब
वैल्यू आ रही है माइनस का 0.04, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट जीरो के बराबर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दो डिजिट के बाद भी आ रही थी और हम लोगों ने उसको नहीं लिया था, तो यह जीरो के बराबर ही आएगा। इसको हम लोग जीरो मानते हैं, 0 किलो न्यूटन मीटर। बात क्लियर है? तो ये हमारे सारे पॉइंट पर क्या आ गए, बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, इस वैल्यू की सहायता से हमें क्या करना है, बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देना है। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए पर मोमेंट कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो, क्लियर है। बी पर कितना आ रहा है, जीरो। अब सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 26.66। तो सी वाली पॉइंट ये है और इसी की लाइन ये आ रही है, तो यहाँ से हम लोग 26.66 पर इधर पॉइंट लगा दिए। फिर डी पॉइंट पर कितना आ रहा है, 46.64, तो यहाँ से हम लोग 46.64 पर यह पॉइंट लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को मिलाना है। किस तरीके से मिलाना है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि पॉइंट लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो लीनियरली मिलाया जाता है, रैखिक रूप से। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग वैल्यू शो करा देंगे, यह वैल्यू कितनी है, 26.66 किलो न्यूटन मीटर। आप लोगों को मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, ठीक। यहाँ पर यह वैल्यू कितनी है, 46.64, और यह केवल पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। तो यह रहा आपका, किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में एक से अधिक पॉइंट लोड लगे थे तो उसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने बनाना सीखा। यह क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी बीम में पॉइंट लोड लगा हो या यूडीएल लगा हो या दोनों कंबाइंड लगे हो, 100% 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। तो अब चलते हैं आगे, सिंपली सपोर्टेड बीम में ही हम लोग यूडीएल और पॉइंट लोड का दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनता है। दोस्तों अगला केस हम लोग देखेंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस बीम में पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। एक 5 मीटर लंबी सरल आधारित धरन, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी पूरी लंबाई पर 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है, इसके लिए कर्तन बल व नमन घूर्ण आरेख खींचिए। तो देखते हैं इसको बनाएंगे किस तरीके से। एक 5 मीटर लंबी सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम को हमने इस तरीके से बना दिया। अब इसकी लंबाई हम लोगों ने कितनी लेनी है, 5 मीटर, 5 मीटर लंबाई ली। इसकी पूरी लंबाई पर 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो इसके लिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो मान के चलते हैं वही, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन क्या मिलेगा, आर ए, और बी पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, आर बी। बात क्लियर है? हम लोग वही काम करेंगे, समेशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये पहले हमने डॉटेड लाइन खींच दी। अब देखिए हमें क्या करना है, समेशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो करना है। बात क्लियर है? तो देखिए नीचे से कौन कौन से बल लग रहे हैं, आर ए प्लस आर बी। तो नीचे से क्या कितना बल लग रहा है, आर ए प्लस आर बी, और ऊपर से कितना बल लग रहा है, ऊपर से। कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं 2 किलो न्यूटन, जो कि गलत हो जाता है। 2 किलो न्यूटन
प्रति मीटर, मतलब एक मीटर पे 2 किलोन्यूटन, तो 5 मीटर पे 10 किलोन्यूटन। मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलते कैसे हैं, कैसे बदलते हैं, जितनी लंबाई पर यूडीएल लग रहा हो और जितने मान का लग रहा हो दोनों को आपस में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, या 2 × 5 = 10 किलो न्यूटन। यह आपका समीकरण एक हो गया। अब हमें क्या करना है, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। जब हम लोग समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0 करेंगे और पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेंगे, पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, जब हम लोग पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेंगे तब आएगा क्या, बल इंटू यहां तक की दूरी, क्या आएगा, आरबी इंटू 5। लिखते हैं आरबी इंटू 5, क्लियर। फिर इस यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 10। लेकिन वह पॉइंट लोड लगेगा कहाँ, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बता दिया था कहाँ पर लगेगा, इधर लगेगा बीम के बीचों बीच, बीम के बीचों बीच लगेगा, मतलब यहाँ से 2.5 मीटर की दूरी पर लगेगा, क्लियर। तो लोड कितना आएगा, 2 × 5 मतलब 10 किलो न्यूटन, और यह कहाँ लगेगा, इधर, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5, तो मोमेंट कितना हुआ, 10 × 2.5 का, तो माइनस का 10 × 2.5, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए इसको निगेटिव लिया, ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना, 5 RB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, या आरबी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू 5 आ गई। अब आरबी का मान उठा के समीकरण जब हम लोग एक में रखेंगे तो कितना आएगा, आर ए की वैल्यू आ जाएगी, और आर ए बराबर कितना आ जाएगा, आर ए बराबर भी 5 किलो न्यूटन आ जाएगा। बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, आर ए आरबी मिल गया, अब हमें शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स ए पर निकलेगा, बी पर निकलेगा, और इसके बीच में मतलब मिड पॉइंट पर भी हमारा शियर फोर्स निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो यूडीएल है, इस यूडीएल को जब हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, बीम के मिड स्पैन पे, बीम के मध्य बिंदु पर मिल रहा है। तो हम लोग बीच में सी पॉइंट इसको मान लेते हैं, यहाँ पर भी हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, निकालते हैं शियर फोर्स, तो हम लोग शियर फोर्स एक एक पॉइंट पे निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बी पर, तो जब हम लोग बी पर निकालेंगे तो एस एफ बी लिखेंगे, तो कितना आएगा बी पर, देखिए यहाँ पर बी पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है, देखिए केवल आर बी, केवल आर बी, और आर बी की वैल्यू कितनी है, 5 किलो न्यूटन। बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सी पर, निकालेंगे सी पर, तो लिखेंगे एस एफ सी। अब देखिए यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, अदरवाइज आप 100% क्वेश्चन को गलत करेंगे। जब हमें सी पर निकालना है तो सी के बाएं साइड वाले पोर्शन को हमें भूल जाना है, क्लियर। तो बचेगा कितना, बीसी भाग का यूडीएल बचेगा हमारा, केवल इतने भाग का यूडीएल बचा, यह है इतने भाग का यूडीएल बचा, यहां से यह वाला यूडीएल बचा, और एक यह आरबी रिएक्शन बची, ठीक। तो कितना आएगा सी पॉइंट पर, शियर फोर्स हमने बताया था क्या होता है, कि यह किसी भी सेक्शन के दाएं तरफ या बाएं तरफ लगने वाले समस्त ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग होता है। तो देखिए नीचे से ऊपर लगने वाला बल कितना है, केवल आर बी, और ऊपर से नीचे लगने वाला बल कितना होगा, बी सी भाग का केवल यूडीएल होगा।
तो लिखते हैं कितना आएगा, आर बी पॉजिटिव रहेगा माइनस बी सी भाग का यूडीएल कितना आएगा, बी सी भाग का यूडीएल देखिए 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का है और कितनी दूरी पे लगेगा, 2.5 पे, तो इस यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में बदलिए तो कितना रहेगा, 2 का वैल्यू है, 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर की वैल्यू है और कितनी लंबाई पे लग रहा है, इतनी, ये कितनी है 2.5, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाइए कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन आ गया। तो यह है माइनस का 5 किलो न्यूटन, बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आर बी कितना है 5 और यह 5, तो सी पॉइंट पर मोमेंट कितना आ रहा है 0, ओ सॉरी सी एयर फोर्स कितना आ रहा है 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सी एयर फोर्स निकालेंगे ए पॉइंट पर। जब हम लोग सी एयर फोर्स ए पॉइंट पर निकालेंगे तब क्या होगा, फिर से कंफ्यूज ना हो और आप लोग गलती ना करो, तो क्या करेंगे, पहले ए पॉइंट पर लगने वाले रिएक्शन बल को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, टिल। तो यह निकलेगा एस एफ ए टिल, एस एफ ए टिल कितना आएगा, देखिए एक आर बी और 5 मीटर पूरी लंबाई का यूडीएल, तो कितना आ जाएगा, आर बी माइनस पूरी लंबाई का यूडीएल कितना है, 2 वैल्यू है और पूरी लंबाई कितनी है 5, तो 2 × 5 पॉइंट लोड आ गया, मतलब लोड आ गया कितना आ गया 10 किलो न्यूटन, तो क्या आ जाएगा माइनस का 10 किलो न्यूटन, आर बी 5 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 किलो न्यूटन, ये कितना आ गया माइनस का 5 किलो न्यूटन, क्लियर है। अब जब हम लोग ए पर लगने वाले फोर्स को भी इंक्लूड करेंगे, रिएक्शन बल को भी लेंगे, तब कितना आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे एस एफ ए एट पॉइंट, कितना आ जाएगा, देखिए आर बी बी सी भाग ए बी भाग का पूरा यूडीएल 5 मीटर का और आर ए, तो क्या लिखेंगे, आर बी माइनस ए बी भाग का यूडीएल के कारण बल कितना आ जाएगा 10 और प्लस का ये आर ए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आर ए आर बी 5 माइनस 10 और ये आर ए कितना है 5, इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 0। ये हमने शियर फोर्स निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट हम लोग जब निकालेंगे प्रत्येक पॉइंट पर निकलेगा बी सी और ए पर, तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं बी पर, कितना आएगा, आप लोग जानते ही होंगे कि B पर कितना लोड लग रहा है RB, और RB का B पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना आएगा 0, क्योंकि डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर, मात्रक लिखना कंपलसरी है। बेंडिंग मोमेंट अब हम लोग कहाँ पर निकालेंगे, C पॉइंट पर, बहुत ही ध्यान से अब आप लोगों को फिर से समझना है, अदरवाइज फिर से आप लोग गलती करेंगे। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट सी पर निकालना है हमें, इधर वाले भाग से कोई लेना देना नहीं है, सी से ए वाले भाग पर कुछ नहीं आपको ध्यान देना है। तो देखिए सी पर जब मोमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, सी के इधर देखें राइट साइड कितना लग रहा है, आर बी एक रिएक्शन है, इसके कारण सी पर मोमेंट कितना आएगा, आर बी इंटू बी सी की लंबाई कितनी है 2.5, तो कितना आ जाएगा आर बी इंटू 2.5, बात क्लियर है, एंटी क्लॉक मोमेंट था तो पॉजिटिव। अब बी सी भाग का यह यूडीएल है, इसको पहले पॉइंट लोड में बदले उसके बाद मोमेंट ले, तो बी सी भाग का यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का और लंबाई कितनी है 2.5, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कितना 2.5। अब देखिए 2 का गुणा 2.5 में कराएंगे तो कितना आएगा 5, तो पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी आई 5, और लगेगा कहाँ, इसकी आधी दूरी पर, मतलब 2.5 की आधी दूरी पर
लोड लगेगा कितना, 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। तो यहाँ पर हम लोग 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिए किसके कारण, बीसी भाग के लंबाई के कारण। अब यह लोड 5 किलो न्यूटन का सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बनाएगा, कितने का, 5 × यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2.5 का आधा, मतलब 2.5/2। तो देखिए मोमेंट कितना आएगा, 5 × 2.5/2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 × 2.5/2। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है, आरबी की वैल्यू 5 × ये कितना है 2.5 माइनस, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 12.5/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको कितना आएगा, 2.5 × 5 माइनस 12.5/2, ये इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 6.25 किलो न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ रही है। बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है ए पॉइंट पर। जब हम लोग ए पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे तो देखेंगे ए के राइट साइड कौन कौन से बल लग रहे हैं, आर बी और ए बी भाग का यूडीएल। तो क्या आ जाएगा, आर बी का मोमेंट ए के सापेक्ष आएगा, क्या आएगा, आर बी इंटू फाइव, आर बी इंटू फाइव माइनस इसको यूडीएल वाले का पॉइंट लोड कितना आ रहा था, 10, तो 10 × 2.5, 10 वाला कहाँ लगेगा, इसके आधे पे लगेगा ना, 5 के 2.5 पे, तो 10 × 2.5, तो 10 × 2.5 इसको सॉल्व करते हैं, आर बी 5 × 5 माइनस ये कितना आ जाएगा 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 − 25 = 0 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे देखते हैं कि बी पर निकला है, सी पर निकला है और ए पर निकला है, बस हमें क्या करना है, इस पर डायग्राम बना देना है। तो चलिए बनाते हैं, पहले हम लोगों ने यह शियर फोर्स डायग्राम के लिए लाइन खींची। तो देखिए बी पर शियर फोर्स कितना आ रहा है, 5 किलो न्यूटन का पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम लोगों ने 5 किलो न्यूटन एक क्या माना, ये पॉइंट मान लिया, और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। फिर सी पॉइंट पर कितना आ रहा है, 0, तो सी पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पर ये 0 आ गया। फिर ए पॉइंट पर कितना आ रहा है, टिल पर माइनस का 5। अब देखिए अगर आप टिल पर ना निकाले होते तो ये माइनस 5 ना आता, डायरेक्ट कितना आता, 8 पर 0। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 0 शो कर देते हैं, और इसको सॉरी ऐसे आओ, इसको आप इस तरीके से बनाकर डायग्राम को छोड़ देते, ठीक। लेकिन इसी गलती से बचने के लिए मैंने टिल और एट निकलवाया है, तो टिल पॉइंट पर कितना आ रहा है, माइनस का 5। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 5 नीचे जाएंगे और इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से देखिए इसको हमें ऐसे मिलाना है। फिर ए एट पॉइंट पर कितना आ रहा है, 0, तो यहाँ से हम लोग 0 पे आ गए, बस वैल्यू आपको दिखा देनी है, यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव, यह वैल्यू आपकी 5 है और यह वैल्यू भी आपकी 5। यह रहा आपका CFO डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। देखिए बेंडिंग मोमेंट B पर 0 और A पर 0, तो यहाँ पर A पर 0 और B पर 0। हाँ, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से क्यों मिला दिया, क्योंकि जो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में संबंध आ रहा था उसमें यूडीएल के केस में जो शियर फोर्स डायग्राम आ रहा था वह एक रेखा का समीकरण आ रहा था,
ठीक। तो रेखा का समीकरण आने के कारण इसको इस तरीके से मिलाया गया है। बात क्लियर है? अब देखिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.25। तो यहां से हम लोगों ने 6.25 पर एक पॉइंट लगा दिया। अब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वह पैराबोलिक मिलाया जाता है। बात समझ रहे हैं? पैराबोलिक मिलता है, क्यों मिलता है? यह शियर फोर्स, बेंडिंग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में जब संबंध निकाले थे वहां पर हमने बताया था। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यह भी आपका पैराबोला है, और इसको हम लोग इस तरीके से भी बना देंगे, यह भी आपका पैराबोला है। तो आखिरकार कौन सा डायग्राम हमें बनाना चाहिए, यह देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब समझते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं डायरेक्ट बता देते हैं कि यह वाला कर्व बनाना है, लेकिन क्यों बनाना है नहीं बताते। देखिए इसमें कौन सा कर्व बनाना है, हम लोगों ने जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में संबंध निकाला था तो क्या आया था, df अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के w के, और dm अपॉन dx क्या निकाला था, f के निकाला था, और dm अपॉन dx क्या है, यह स्लोप है किसका, बेंडिंग मोमेंट का। जिस तरीके से m बराबर tan थीटा होता था किसमें, y बराबर mx प्लस c में, एक रेखा के समीकरण में y बराबर mx प्लस c क्या है, रेखा का समीकरण, और इसमें m क्या थी, प्रवणता, और प्रवणता किसके बराबर होती थी, m बराबर tan थीटा के, और यही किसके बराबर होता था, dy बाई dx के। तो इसमें ये जो dm अपॉन dx है ये क्या बताता है, प्रदर्शित करता है, स्लोप प्रदर्शित करता है। बात क्लियर है? देखिए यहां पर C पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो और ये F क्या प्रदर्शित कर रहा है, शियर फोर्स, तो शियर फोर्स C पॉइंट पर कितना है, जीरो। तो इसका जो स्लोप आएगा C पॉइंट पर वह कितना आएगा, जीरो आएगा। तो C पॉइंट पर आपको ऐसा कर्व बनाना है जिसका स्लोप जीरो होता हो। तो यहां पर देखिए अगर आपने ये C पॉइंट था, अगर आपने ऐसा कर्व बनाया तो इस पॉइंट पर स्लोप लेने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे टेंजेंट खींचा। अगर यहां पर किसी को बिठा दिया जाए तो क्या होगा, ये बेचारा तुरंत से नीचे खिसक आएगा, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ स्लोप है। बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां कुछ ना कुछ स्लोप है, लेकिन हमें कैसा स्लोप, कर्व बनाना है जिसका स्लोप जीरो हो। अगर हम लोग इस तरीके से बना दें, ऐसे ऐसे कर्व बनाए, तो सी पॉइंट हमारा यह है, इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग टेंजेंट कैसे खींचेंगे, ऐसे। अब अगर यहां पर किसी आदमी को बिठाया जाए तो क्या होगा, यह बेचारा आराम से बैठा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई स्लोप नहीं है, मतलब यहां पर स्लोप का मान जीरो है। तो इसलिए यहां पर ऐसा कर्व बनाया जाएगा और इस कर्व का स्लोप कितना है, जीरो, जो कि यहां से जीरो निकलकर आ भी रहा है, इसलिए ऐसा कर्व बनेगा, ना कि ऐसा वाला कर्व बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी? ठीक, तो यह रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा हो वह वाला केस। अब हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में अंतिम केस देखेंगे जब यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड लगा हो
और उसी के साथ हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में सारे केस फिनिश कर देंगे, बढ़ चलेंगे आगे अगले केस में कैंटिलीवर बीम की तरफ। तो चलिए अगला केस देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों लगाओ। दोस्तों ये हमने अगला केस एक सिंपली सपोर्टेड बीम में दो पॉइंट लोड और एक यूडीएल लगा के इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से बनता है बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी सी डी ये पॉइंट माने हैं। अब देखिए ए पॉइंट पर हमें रिएक्शन बल मिलेगा, कितना मिलेगा आर ए। बी पॉइंट पर हमें रिएक्शन बल मिलेगा, कितना मिलेगा आर बी। बात क्लियर है। अब देखिए नीचे से लगने वाला फोर्स आर ए प्लस आर बी और ऊपर से लगने वाला फोर्स चार प्लस दो प्लस दो इंटू तीन। तो वही हम लोग फंडा पुराना वाला, समेशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो के। बात क्लियर है, क्या लिखेंगे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना है फोर प्लस टू प्लस कितना आ जाएगा सिक्स, कितना आ जाएगा टोटल 12 किलो न्यूटन। समीकरण ये एक हो गया। अब क्या करना है, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। जब हम लोग समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या होगा, ए के अबाउट हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। तो पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेने पर जब हम लोग पॉइंट ए के सापेक्ष मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा आर बी इंटू यहां तक की दूरी, और एंटी क्लॉक मोमेंट है तो पॉजिटिव। आर बी इंटू ए तक की दूरी कितनी है सेवन, क्लियर है, माइनस यह फोर इंटू यहां तक की दूरी तीन दो पांच, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए हमें इसको नेगेटिव लेना है। तो कितना आ जाएगा फोर इंटू फाइव, डिस्टेंस कितनी है फोर इंटू फाइव। ठीक, फिर अगला ये लोड लग रहा है दो का, यहां तक की दूरी कितनी है ए तक की तीन, तो मोमेंट कितना आएगा दो इंटू थ्री माइनस का टू इंटू थ्री, क्लियर। अब यहां पर आप लोगों को फिर से ध्यान देना है, इस यूडीएल के कारण इस ए पॉइंट पर मोमेंट बनेगा, कितना बनेगा सबसे पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलो, कितना आएगा पॉइंट लोड टू इंटू थ्री का, टू इंटू थ्री का पॉइंट लोड मतलब सिक्स का आया, कहाँ आएगा किस पॉइंट पर लगेगा इस तीन की आधी दूरी पर इधर लगेगा, यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक, तो सिक्स का सिक्स किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इधर लगा और यहां से ए तक की दूरी कितनी है 1.5, तो मोमेंट कितना बनाएगा सिक्स इंटू 1.5 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 35, और आर बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। बात क्लियर है, जब हमारा आर बी 5 किलो न्यूटन आ गया, आर बी का मान उठा के समीकरण एक में रखेंगे जब हम लोग, तो आर ए बराबर कितना आ जाएगा 7 किलो न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आर ए आर बी हम लोग निकाल चुके। अब हमें क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डॉटेड लाइन खींच दें ताकि हमारा डायग्राम आसानी से बन जाए। तो हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स। जब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर देखेंगे कितना बल लग रहा है केवल आर बी, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा शियर फोर्स बी पॉइंट पर केवल आर बी, और यह कितना है प्लस का 5 किलो न्यूटन। ठीक, अब हमें निकालना है एस एफ सी। सी पॉइंट पर निकालेंगे जब यह यूडीएल ए सॉरी ये पॉइंट लोड नहीं लगा है। बात क्लियर है,
तो कितना आ जाएगा टिल केवल आरबी और इसकी वैल्यू 5 किलो न्यूटन। फिर हम लोग 4 किलो न्यूटन वाले फोर्स को लेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस एफ ए एट, सॉरी ये सी है, सी पॉइंट पे निकालना है, एस एफ सी एट पॉइंट पे कितना आ जाएगा आर बी और माइनस का ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स नेगेटिव तो 4, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। ये हमारा सी पॉइंट पर शीयर फोर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, डी पॉइंट पर निकालना है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे एस एफ डी, इसको भी टिल और ऐड करके निकालेंगे अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब टिल पॉइंट पर निकालेंगे मतलब इसको नहीं लेंगे, 2 किलो न्यूटन वाले बल को नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या 4 और आर बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे आर बी माइनस 4 मतलब 1 किलो न्यूटन। बात क्लियर है। अब हम लोग जब एट पॉइंट पर निकालेंगे एस एफ डी एट पॉइंट तो कितना आ जाएगा, इस वाले बल को भी शामिल करेंगे तो कितना आएगा आर बी माइनस 4 माइनस 2, आर बी माइनस 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा आर बी 5 माइनस, ये टोटल कितना है 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है ए पॉइंट पर निकालना है। ए पॉइंट पर निकालने के पहले हमें दो बार निकालना पड़ेगा एस एफ ए टिल और एस एफ ए एट, तो निकालते हैं एस एफ ए टिल पॉइंट पर। जब हम लोग टिल पॉइंट पर निकालेंगे तो मतलब ये आर ए रिएक्शन को नहीं लेंगे, तो कितना लगेगा फोर्स इस साइड 2 का यूडीएल, 2 का पॉइंट लोड, 4 का पॉइंट लोड, ये सारे नीचे का लग रहे हैं, आर बी आपका ऊपर लग रहा है, तो लिखते हैं आर बी माइनस नीचे लगने वाला फोर्स 4, नीचे लगने वाला फोर्स 2 माइनस। अब इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 माइनस 4 2 6 और ये 12 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7 किलो न्यूटन। बात क्लियर है। अब जब हम लोग एट पॉइंट पे निकालेंगे एस एफ ए एट पॉइंट पर मतलब इस रिएक्शन बल को भी हमें शामिल करना है, तो कितना आ जाएगा यह रिएक्शन यह रिएक्शन यह पॉइंट लोड यह पॉइंट लोड और यह यूडीएल, तो क्या आ जाएगा आर बी माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और प्लस का यह आर ए। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, यह आपका 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और प्लस का ये आर ए कितना है आर ए 7 है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं प्लस प्लस कितने हो गए 7 और 5 12 और 6 4 10 और माइनस का 2 12 ये कितना आ गया 0। ये हमने सभी पॉइंट पर शियर फोर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर डायग्राम बना देना है, तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। इस तरीके से हमें लाइंस खींच देनी है डॉटेड। अब लाइन खींचने के बाद हमें ये रेफरेंस लाइन खींचनी है। देखिए बी पर शियर फोर्स कितना रहा है प्लस का 5 किलो न्यूटन, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लगा देंगे और इसको ऐसे मिला दिए। क्लियर है। अब सी टिल पॉइंट पर कितना रहा है 5 किलो न्यूटन, टिल पॉइंट का मतलब इसको नहीं शामिल करेंगे तो कितना आ रहा है 5, तो यहाँ से 5 यह मतलब इसी के सीध इतना। ठीक, जब एट पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 किलो न्यूटन, तो यहाँ से 1 किलो न्यूटन आपका यह आ गया, तो इसको ऐसे ये मिला देंगे। ठीक है। अब देखिए फिर हमें क्या निकालना है एस एफ डी टिल पर, एस एफ डी टिल पर कितना आ रहा है
1 किलो न्यूटन, मतलब इसको जब हम लोग शामिल नहीं करेंगे 2 किलो न्यूटन को, तब कितना आ रहा है 1 किलो न्यूटन। तो यहाँ से 1 किलो न्यूटन हमने ये पॉइंट लगाया और ये इसी के सीध में है तो ऐसे मिला दिए। अब इसको जब शामिल करेंगे मतलब एट पॉइंट पर निकालेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस 1 नीचे और इसको हम लोग ऐसे मिला दिए। बात क्लियर है? ठीक। अब एस एफ ए टिल पॉइंट पर कितना आ रहा है माइनस का 7, मतलब जब हम लोगों ने रिएक्शन को शामिल नहीं किया केवल इस यूडीएल को शामिल किया है तो कितना आ रहा है माइनस का 7। तो यहाँ से हम लोगों को माइनस के 7 पर ऐसे पॉइंट लगाना है। फिर एट पॉइंट पर कितना आ रहा है 0, तो ये 0 आ गया। अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैसे मिलाना है, यह लगा है यूडीएल, तो यूडीएल लगा है तो यूडीएल जब लगा होता है बीम में उसमें शियर फोर्स को हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो लीनियरली बनाते हैं क्योंकि एक रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हुआ था, इसको स्टेट मिला दिए। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला के 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन पे थे, शियर फोर्स में अचानक ऊपर जंप आ रही, मतलब यहाँ पर एक लोड लग रहा है, कौन सा लोड है वो भी प्रतिक्रिया बल है। फिर हम लोग इस पॉइंट पे थे, बी से सी कोई लोड नहीं था, यहाँ पर शियर फोर्स में डायग्राम में सडन चेंजमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से शियर फोर्स कम हो रहा है, शियर फोर्स डायग्राम से शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है, मतलब ऊपर से कोई एक डाउनवर्ड फोर्स कार्य कर रहा है, ऊपर देखे तो लग रहा है। अब जब हम लोग सी से डी पर आए तो कोई लोड नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डी पॉइंट पर देखेंगे तो फिर से शियर फोर्स में चेंजमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर फिर एक लोड लग रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पर देखेंगे फिर से शियर फोर्स में चेंजमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे होंगे ऊपर लोड एक कार्य कर रहा है। तो यह रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम, इसको आप लोग वैल्यू शो करा दीजिए, 5 किलो न्यूटन, इसको 1 किलो न्यूटन, यह भी आपका 1 किलो न्यूटन और यहाँ से यह 7 किलो न्यूटन, यह आपका माइनस और यह प्लस, इसकी हल्की हल्की हैचिंग कर दीजिए इस तरीके से। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब निकालते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट। आर भी आपका 5 किलो न्यूटन और आर ए आपका 7 किलो न्यूटन है। आप लोगों को आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी कि मौसम कितना ख़राब है, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं तब भी आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें। तो दोस्तों आपसे बस एक ही उम्मीद है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो भी क्लासमेट्स हैं आपके उन तक मेरा वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। तो देखते हैं, निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ कहाँ निकालना है, ए डी सी और बी पर। तो शुरुआत करते हैं बी से, बेंडिंग मोमेंट बी। बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि सपोर्ट है, कितना आ गया 0। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट सी पर। जब हम लोग सी पर निकालेंगे तो सी पर निकालने के लिए देखिए सी से इस साइड कौन सा बल लग रहा है, केवल आर बी, आर बी के कारण सी पर मोमेंट कितना आएगा, आर बी इंटू सी तक की दूरी कितनी है 2, तो आर बी कितना है 5 × 2, कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। फिर निकालेंगे डी पर तो कितना आएगा बी एम डी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे कि डी पॉइंट के इधर कितना लोड लग रहा है, कितना लग रहा है, एक आर बी और एक ये 4 और डी पॉइंट पर ही 2 का
दो किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो जीरो हो जाएगा। तो कितना आएगा आर बी इंटू यहाँ तक की दूरी, कितना आएगा फोर, आर बी फाइव था इंटू फोर, आर बी इंटू फोर माइनस कितना आएगा फोर इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है टू, फोर इंटू टू, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी माइनस एट इज इक्वल टू बारह किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट कहां पर निकलेगा ए पर। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट ए पर निकालेंगे तब होगा क्या, देखेंगे इस साइड कितना लोड लग रहा है, एक आरबी, एक फोर, एक दो किलो न्यूटन का और दो किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल, तो सबका मोमेंट लेते हैं एक हिसाब से, क्या आएगा आरबी इंटू यहां तक की दूरी कितनी है सेवन, तो फाइव इंटू सेवन माइनस, ये क्लॉकवाइज मोमेंट इसलिए माइनस ले रहे हैं, फोर इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है तीन दो पाँच, कितनी फोर इंटू फाइव, फिर टू ये दो किलो न्यूटन का लोड है, इसके अबाउट मोमेंट कितना बनाएगा दो इंटू यहाँ तक की दूरी, कितना आ जाएगा माइनस का टू इंटू थ्री, बात क्लियर है। अब इस यूडीएल के कारण जो पॉइंट लोड आएगा उसका मोमेंट इसके हिसाब से चलेंगे कितना आएगा, पहले इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलो कितना आएगा टू इंटू थ्री सिक्स आ गया, कहाँ लगेगा इस पॉइंट पे, मतलब तीन के आधे पर लगेगा यहाँ पर 1.5 की दूरी पर, तो सिक्स इंटू दूरी कितनी है 1.5, तो कितना आ जाएगा माइनस का सिक्स इंटू 1.5। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, ये कितना आ जाएगा 35 माइनस ये 20, ये सिक्स और ये नाइन, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 26 और 9 कितना आएगा 35, कितना आ गया जीरो। अब हमें क्या करना है, डायग्राम बना देना है, देखिए बी पर कितना है जीरो और ए पर भी हमारा जीरो है, ठीक सी पर कितना आ रहा है 10 किलो न्यूटन प्लस का, तो यहां से हम लोगों ने 10 का पॉइंट लगा दिया, डी पर कितना आ रहा है 12 का पॉइंट लोड हमने ये पॉइंट ये लगा दिया और ए पर जीरो है। अब देखिए सी ये डी पॉइंट सी पॉइंट यहाँ पर इतने भाग में पॉइंट लोड है यूडीएल नहीं है, तो इसको किस तरीके से मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, बात क्लियर है। लेकिन ए से डी भाग में मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या लगा यूडीएल, तो इसको हमें मिलाना है पैराबोलिक, तो पैराबोलिक मिलाएंगे तो इस तरीके से हमें मिलाना है, बस इसको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू शो करा देनी है, ये कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर और ये कितना है 12 किलो न्यूटन मीटर, इसको क्या करना है पॉजिटिव दिखा देना है और इसको इस तरीके से हैचिंग कर देनी है। तो यह रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों कंबाइंड लगा हुआ था, उसका हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ही बनाया। यह आपका एसएफडी होता है और यह है आपका बीएमडी होता है, ठीक है। तो आज से आपका इस वीडियो से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फिनिश होता है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पॉइंट लोड आपका क्या होगा, हो सकता है यूडीएल के मिड पॉइंट पर भी लगा हो सकता है, उसको भी आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। यदि दोस्तों अभी भी आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपसे ना लग रहा हो, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को फोटो खींच कर आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, एक घंटे के ऊपर हो गया है। अब जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हम लोग कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम दोनों ही केस पढ़कर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आप लोग तब तक प्रैक्टिस करिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों तक यह शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।